दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स सेशन यर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना बिजनेस फाइनेंस का 8th पार्ट है, इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं एंड ये वीडियो केवल एमकॉम एंट्रेंस के वरेंट है, बीकॉम एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों हम लोग कैपिटल बजटिंग टॉपिक के ऊपर था, जिसपे हम लोगों ने बहुत सारे मेथड को सीख लिया था। आज अपना आखिरी टॉपिक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। ये भी कैपिटल बजटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। दोस्तों अभी तक हमने जितना भी मेथड पढ़ा है उसमें हमको ये देखा है कि कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, तो अब जो भी मेथड है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। दोस्तों तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों उसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डीसीएफ मेथड। दोस्तों द पे बैक पीरियड मेथड एंड द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इग्नोर द टाइम फैक्टर। ये आपको पता है कि वो टाइम फैक्टर को इग्नोर करते थे। देयरफॉर डीसीएफ मेथड गिव स्पेशल कंसीडरेशन ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर ध्यान देता है। दोस्तों ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ खास नहीं है, बस इसका मतलब इतना होता है कि जो पैसे की वैल्यू कुछ टाइम पहले थी, 2-3 साल पहले, 10 साल पहले, आज उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो बस यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपके पास 10 साल पहले 100 रुपये था तो आज उस 100 रुपये की वैल्यू कितनी है 10 साल के मुकाबले में, ठीक है। तो देयरफॉर दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, दोस्तों उसको याद रखिएगा, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड दोस्तों टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं एंड टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड, दोस्तों इस बात को जितना मैं आपको पॉइंट करवा रहा हूँ उसको याद रखते चाहिएगा, दिस मेथड वॉज फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक्स, जोए डीन ने इसको सबसे पहले बात की थी इसके बारे में इन इज बुक कैपिटल बजटिंग। और ये बुक कब आई थी, 1951 में आई थी। आप लोग अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, इसका PDF मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। दोस्तों ये जो इकोनॉमिस्ट है जोए डीन ने, इन्होंने अपनी कैपिटल बजटिंग बुक जो कि 1951 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका नाम भी इन्होंने उसमें बताया था, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट बेस्ड था दैट फ्यूचर रिसिप्ट ऑफ वन इज यस वैल्यूएबल देन करंट रिसिप्ट ऑफ वन। बात समझिएगा दोस्तों, इनका ये कहना था, इनकी बात का मतलब ये था कि फ्यूचर रिसिप्ट ऑफ वन जो आपको फ्यूचर में 1 रुपये मिलने वाला है वो कम वैल्यू रखता है जो आज आपको 1 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको फ्यूचर में 1 रुपये मिलने वाला है तो उसकी वैल्यू कम है कंपैरिजन टू जो आज आपको 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। इनका कहना बस इतना था। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूचर में जो आपको वैल्यू इश्यू होगी उसकी वैल्यू कम है तो ये किस मेथड की बात कर रहा है, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात कर रहा है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट ऑन एनी प्रोजेक्ट, हम लोग कभी भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि अपना तो पूरा चैप्टर ही कैपिटल बजटिंग के ऊपर है, तो ये देखेंगे कि एनी प्रोजेक्ट हैज टू बी मेड राइट नाउ, अभी करें, वाई रिटर्न आई रिसीव्ड ऑन वेरियस डेट्स, रिटर्न तो हमको आगे के फ्यूचर डेट से मिलेगा, द प्रेजेंट वैल्यू तो हमको अपने पैसे की प्रेजेंट वैल्यू को मनी के ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को पता करना होता है, कैन बी फाइंड आउट पता करना पड़ता होता है आउट लाइक द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हम लोग पता करते हैं, इसके लिए हम लोग 3 मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने मेथड का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। दोस्तों ये बस नाम का है, पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो देखते हैं, आप देखते हैं सबसे पहला मेथड जो अपना है डिस्काउंटेड के अंदर, जिसको कहते जो तीनों के तीनों टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, जो तीनों के तीनों टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखिए यहीं पर लिखा हुआ दोस्तों आपका, सीधे यहीं पर लिखा है, आप इसको देख लीजिए, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड है। अंदर दिस मेथड फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, हम लोग पहले जो हमको फ्यूचर में कैश इनफ्लो होने वाला होता है ऑफ अ प्रोजेक्ट इज फाइंड आउट, उसको हमें पता कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस, फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। बात समझिएगा, इस मेथड के हिसाब से हम लोग फ्यूचर में होने वाले कैश इनफ्लो जो आपको फायदा होगा, अगर आप लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड आपको जो फायदा होने वाला है उसको पहले आप पता करेंगे एंड उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इट गिव अस द अमाउंट, ये हमको वो अमाउंट देगा ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही हमको दे देगा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट दे देगा, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट है। अब दोस्तों प्रोफेसर SP सिंह ने क्या कहा है इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, नहीं बस देख लेते हैं क्या पता क्वेश्चन पूछ दे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टोटल, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो, जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको फ्यूचर में होने वाला है, माइनस उसमें से माइनस कर देंगे
टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आपने कितना पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर। वेयर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर डिस्काउंटेड, एंड इनफ्लो आउटफ्लो का क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे फॉर टाइमिंग, ये टाइम के हिसाब से क्या करेंगे उसको डिस्काउंट करेंगे कि भैया करंट में कितनी वैल्यू है। एट अ रेट ऑफ डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, तो इसमें कुछ मतलब नहीं, ज्यादा उसमें बुद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं है। इफ दिस एनपीवी, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव होगा, अगर आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा, द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको आप लोग अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज अप्रूव नहीं करेंगे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू एनपीवी, एंड एनपीवी के हिसाब से प्रोजेक्ट को रैंक देंगे कि पहला प्रोजेक्ट ये है, दूसरा प्रोजेक्ट ये है, तीसरा प्रोजेक्ट ये है, कौन सा अच्छा है, उसके हिसाब से रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न इज फाइंड आउट, आपको जो एक्सपेक्टेड है कि आपको रिटर्न मिलेगा ट्रेडिंग कंसर्न का, उसके पहले पता करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर आपने मार्केट से पैसा उठाया है, मान लीजिए शेयर उठाया है, तो शेयर उठाने पर आपको उसकी कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। मान लीजिए डिबेंचर उठाया है, तो डिबेंचर पे आपको कितना कॉस्ट चुकाना पड़ा है, कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ा है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको अपने कैपिटल जो उठाया है उस पर कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप कमाने वाले हैं, उसको पता करेंगे किसके हिसाब से, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से। सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आपने मार्केट से उठाया है 1 लाख रुपए एंड दोस्तों 10% इंटरेस्ट पे। ठीक है, 1 लाख का 10% दोस्तों कितना, यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में एकदम बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1 लाख का 10% का इंटरेस्ट मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए 1 लाख का 10% दोस्तों आपका हो गया कितना, 10,000 हो गया। देख लीजिए मतलब आपको 1 लाख पे 10% पे 10,000 क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम से कम आपको इस 10,000 से ज़्यादा कमाना पड़ेगा ना, मतलब कि आपको अब जो भी आप एक एक इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे आपको कम से कम 10% से ज़्यादा का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपने ये बात समझ लिया कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न शुड बी फाइंड आउट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से फाइंड करेंगे, जो भी आपके कैपिटल का कॉस्ट होगा उससे ज्यादा ही आपको कमाना होगा, मतलब 10% से ज्यादा ही कमाना होगा, मान लीजिए 12%, 13%, 14% कुछ भी हो, तो ही आप लोग इसको करेंगे, सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद आपको द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज डिसाइडेड अपॉन द एडेड, उसको डिसाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, प्रेजेंट के हिसाब से आपको कितना कैश इनफ्लो होना चाहिए, फॉर्मूले पे आते तो समझ जाएंगे। आउट ऑफ द अबव, जो आपको टोटल अबव था, टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो भी होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस डिडक्टेड, इसको माइनस कर देंगे, विच गिव अस द नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है, केवल फॉर्मूला देखिए, आप लोग एग्जाम्पल भी देखिएगा पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो एनपीवी ये I1, I2, I3, IN, अब ये क्या है, I1 + R, आपको लगा बाप रे बाप बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद I1, I2, IN ये क्या है, कैश इन्फ्लो फॉर वैस ईयर, आपको हर साल कितना इन्फ्लो हो रहा है, पैसा कितना इन्फ्लो मिल रहा है। ठीक है, आई मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आपने जो एक्सपेक्ट किया आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, एंड दोस्तों ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही होगा। ठीक है, आउटफ्लो आपने कितना आउटफ्लो मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये यहाँ आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका जो I1 है ये आपको हर साल कितना आपको इन्फ्लो मिल रहा है हर साल। ठीक है, एंड जो आपका ये आय है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एंड जो ओ मतलब दोस्तों आउटफ्लो, यहाँ बोला था ना डिडक्ट कर देंगे तो डिडक्ट कर दिया, आपको बस इसको याद रखना है फॉर्मूले को, पूछ देगा कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इट टेक दी टेक केयर ऑफ द टाइम फैक्टर है भैया, ये तो मैंने पहले ही बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इज फाइंड आउट। ठीक है, एंड दोस्तों उसको भी याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि क्या दोस्तों आज का आपका 1 रुपये ज़्यादा वैल्यूएबल है कल के 1 रुपये महीने से। इट कंसिडर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपको पूरे प्रोजेक्ट जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा कितना प्रॉफिट होगा आपको पूरा बता देगा ये। दिस प्रोजेक्ट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज सुटेबल टू लार्जर बेनिफिट टू द ओनर, इससे ज्यादा बेनिफिट होता है ओनर को, कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इक्वल और अनइक्वल कैश इनफ्लो, आप इक्वल कैश इनफ्लो हो या अनइक्वल कैश इनफ्लो हो, मतलब आपको हर साल 10,000 10,000 10,000 इक्वल इनफ्लो हो या फिर किसी साल 10,000 20,000 अनइक्वल कैश इनफ्लो, उससे मतलब
नहीं है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब डिमेरिट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द यूज डिमेरिट, भैया ये बहुत डिफिकल्ट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कितना आपको इन्फ्लो होने वाला है। द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विथ कंप्लीट एक्यूरेसी, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लाइफ को कंप्लीट एक्यूरेट अंदाजा नहीं मार सकते, ये भी कमी है। अंडर दिस मेथड कैश इनफ्लो आर डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच कैन नॉट बी इजी कैलकुलेट, भैया कितना आपको मिलने वाला पता थोड़ी ना कर पाओगे आसानी से, तो कैसे माइनस करोगे, ये भी दिक्कत है। इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू यैंक वेरियस प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, अब भैया किसी प्रोजेक्ट में आपने 10 लाख लगा दिया, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट को थोड़ी ना आप यैंक कर पाओगे इस मेथड की मदद से, तो ये भी इसकी एक कमी है। तो दोस्तों हम लोग ने डिस्काउंटेड के अंदर एनपीवी को सीख लिया, ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको चाहे तो आराम से देख सकते हैं, मैंने इसका पीडीएफ शेयर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। नीचे आते हैं हम लोग, आप क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन करना नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों इसके अंदर तीन मेथड थे, दूसरा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड IRR, दोस्तों सिंपल सी बात है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता होगा, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ डिफरेंट कलर में है। इन दी प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसमें क्या होता है, द रिक्वायर्ड अर्निंग रेट, आप जो चाहते हैं आपको होनी चाहिए अर्निंग रेट इज सेलेक्टेड इन एडवांस, सपोज आप चाहते हैं आपको 10 लाख कमाना है, आपने एडवांस में ही चूज कर लिया, भैया हाँ हमको सॉरी एक दो, ठीक है आपको 10 लाख, ये हो गया ना, आपने क्या किया पहले से ही ये सेट किया कि आपको 10 लाख कमाना है, आपको रिक्वायर्ड अर्निंग आपने पहले से ही फिक्स किया स्टार्टिंग में ही कि भैया हमको 10 लाख कमाना है, ओके फिक्स। तो इन दी प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ठीक है, द रिक्वायर्ड अर्निंग रेट सेटेड इन एडवांस, एडवांस में चूज कर लिया, देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड विच फाइंड्स द अर्निंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस रेट इज कॉल्ड टाइम एडजस्टेड रेट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों बात को समझिएगा, यहाँ पे एक और तरीका है, देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड, एक और तरीका है विच फाइंड्स द अर्निंग रेट, जिससे आप अपनी अर्निंग को पता कर सकते हैं, एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अर्निंग है इक्वल हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर, इसी रेट को, ये जो रेट होता है इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टेड रिटर्न या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो रिटर्न, ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यही रेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, इन्वेस्टर मेथड भी कहते हैं दोस्तों इसको, याद रखिएगा, जो डिफरेंट नेम से क्वेश्चन पर पूछते हैं, एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। तो भैया ये जो तीन तो नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने डिफरेंट नेम बताए भैया उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं, इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं खर्च करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूला देख लेते हैं, ये देखिए ये भी फॉर्मूला उसी की तरह सेम टू सेम है, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I/2 सेम टू सेम दोस्तों, यहाँ पे बस यहाँ माइनस देखिए नहीं किया गया, यहाँ जो पीछे माइनस किया गया था यहाँ माइनस नहीं किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, IRR हैज ऑल्सो डिफाइंड बाई नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट USA, USA ने भी इसको आइडेंटिफाई वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट हैज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, IRR इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देख लीजिएगा, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड बी पेड फॉर द कैपिटल इंप्लॉयड ओवर द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ लॉस ऑन द प्रोजेक्ट, ये आपको कुछ है नहीं बस देख लीजिएगा, बाई चांस पूछ दिया तो पता होना चाहिए। तो इंटरनेट ऑफ रिटर्न में हमने क्या सीखा, डिफरेंट नेम सीखा, फॉर्मूला सीखा, एंड दोस्तों इसका क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम जो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो आते हैं अपने नीचे टॉपिक के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके मेरिट्स क्या क्या है, द अर्निंग फ्रॉम द एंटायर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि आपको पूरे लाइफ से अर्निंग होने वाली है, आर टेकन इन टू कंसिडर, आप उस पर ध्यान देते हैं, टाइम फैक्टर ध्यान देते हैं, द रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी नोन इन एडवांस, आपको पहले से पता होता है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी पता है, द प्रोजेक्ट कैन बी यैंक्ड बाई कंपेयरिंग IRR विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR से कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को यैंक, हाँ भैया ये प्रोजेक्ट अच्छा है ये बेकार है कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मेथड एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, अरे ठीक है मैथमेटिकल बहुत है एंड कॉम्प्लेक्स है, ये भी ठीक है, दिस मेथड इज फाउंडेड ऑन बिलीव दैट फर्म वुड इमीडिएटली प्लग बैक द कैश इन्फ्लो एंड अर्न IRR विच मे नॉट पॉसिबल इन ईयर लाइफ, भैया ये मेथड कहता है कि आप इमीडिएटली अपने कैश फ्लो इन्फ्लो क्या करेंगे कमा लेंगे एंड IRR विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ईयर लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, द रेट ऑफ रिटर्न IRR इज फाइंड आउट फॉर नोइंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट विच इज डिफिकल्ट टास्क, भैया आप किसी प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को पता करना चाहते हो तो ये बहुत कठिन काम है, तो IRR अगर कब होता है IRR से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को समझिएगा, एंड IRR अगर
ज्यादा होता है आर 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 से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। एंड आई आर आर अगर आर आर के बराबर होता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। डिमेरिट से मतलब नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने कैपिटल यास्किंग का मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिया होते तो आपको पता होता, बट यहाँ पे फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल यास्किंग मतलब होता क्या है, मतलब कि एक बिजनेसमैन सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो अगर मान लीजिए 10 स्टॉक उसके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने की, तो वो 10 जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो कैपिटल यास्किंग एक तरह का सिचुएशन होता है व्हेन फर्म ऑपरेट्स विद इन अ फिक्स बजट, जब उसका बजट क्या है फिक्स है, और फर्म कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल दी प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता विच आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जिससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाए। तो इसमें ऊपर कोई मतलब नहीं है, आपको नीचे कुछ नहीं पढ़ना, बस ये याद रखिए कि कैपिटल यास्किंग का मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका बजट क्या है फिक्स है। तो दोस्तों आज अपना कैपिटल बजटिंग का टॉपिक, सारे मेथड्स अच्छे से खत्म हो गए। अब आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करें आपकी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए। तो आपकी भी थोड़ी सी मदद चाहिए कि आप लोग हम लोग के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।